नमस्कार, प्रभा साक्षी के T20 विश्व कप 2021 के अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अनुराग गुप्ता है। शुरुआती दोनों मुकाबलों में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के खिलाफ पहले मुकाबले में 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले को 8 विकेट से गवा दिया। इस दौरान कप्तान कोहली की सारी रणनीतियां केन विलियमसन के सामने विफल साबित हुई। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में विराट कोहली के कोई भी दाव नहीं चले और टॉप ऑर्डर भी बिखर गया। टीम इंडिया ने महज 50 रन के भीतर ही अपने 4 कीमती विकेट गवा दिए। इसी के चलते न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम बड़ा स्कोर बना पाने में सफल नहीं हो पाई। रोहित का क्रम बदलना पड़ा भारी। टीम इंडिया के ओपनर रोहित शर्मा का क्रम बदलना कप्तान कोहली के लिए गलत साबित हुआ। दरअसल केएल राहुल के साथ ईशान किशन ने पारी की शुरुआत की और सबसे पहले ईशान किशन का ही विकेट गिरा। इसके बाद रोहित शर्मा की मैदान में एंट्री हुई। करो या मरो मुकाबले में ईशान किशन को टॉप ऑर्डर में खिलाने के लिए रोहित की काबिलियत को नजरअंदाज किया गया और वो सोडी की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सस्ते में ही आउट हो गए, जिसकी वजह से सारा दबाव मध्य क्रम की ओर शिफ्ट हो गया और टीम निखरने की जगह पर ताश के पत्तों की तरह ढह गई। बतौर ओपनर रोहित शर्मा का रिकॉर्ड शानदार है। उन्होंने 113 अंतरराष्ट्रीय T20 मुकाबलों में से 80 में ओपनर की भूमिका निभाते हुए 2400 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने अपने बल्ले से कई बड़े शॉट भी खेले हैं, तभी तो उन्हें हिटमैन के नाम से जाना जाता है। फिनिशर की भूमिका निभा सकते थे राहुल। कप्तान कोहली अगर रोहित शर्मा के स्थान पर राहुल की बैटिंग ऑर्डर चेंज करते तो शायद स्कोर इससे बेहतर होता। इतना ही नहीं, राहुल फिनिशर की भूमिका भी निभा सकते थे। राहुल के पास मध्यक्रम में बल्लेबाजी करने का अच्छा खासा अनुभव है। उन्होंने मध्यक्रम में बल्लेबाजी करते हुए कई शानदार रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं। राहुल ने 5 मुकाबलों में 4 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 87 के औसत से 174 रन बनाए हैं। ऐसे में राहुल को 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा जा सकता था। इतना ही नहीं, राहुल बड़े बड़े शॉट भी खेल सकते हैं, जिसकी बदौलत हार्दिक पांड्या के ऊपर से भी दबाव थोड़ा कम हो जाता। रोहित को फर्स्ट डाउन भेजने के चलते कप्तान कोहली को अपना बल्लेबाजी क्रम भी बदलना पड़ा था। उन्होंने 4 नंबर पर बल्लेबाजी कर सिर्फ 9 रन ही बनाए और सोडी के हाथों अपना विकेट गवा बैठे। कीवियों ने भारत के खिलाफ बनाए रखा अपना दबदबा। आईसीसी मुकाबलों में न्यूजीलैंड के सामने टीम इंडिया काफी कमजोर दिखाई देती है। साल 2007 में पहले T20 विश्व कप से लेकर इस साल इंग्लैंड में खेले गए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और अब T20 विश्व कप 2021 के मुकाबलों को मिलाकर दोनों टीमों के बीच 8 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से 7 मुकाबलों में से न्यूजीलैंड ने 6 में जीत दर्ज की और बारिश के चलते 1 मुकाबले का जो नतीजा है वो नहीं निकला।